बुल्स जो काफी ज्यादा अग्रेसिव होते हैं, और हम में से काफी लोगों को लगता है कि एक बुल रेड कलर के क्लोथ से ज्यादा इरिटेट हो जाता है। बट सरप्राइजिंग बात तो ये है कि एक बुल रेड कलर को देख ही नहीं सकता, क्योंकि उनकी आई में रेड कलर की कलर ब्लाइंडनेस होती है। तो फिर वो इरिटेट किस चीज़ से होते हैं? वो इरिटेट होते हैं एक क्लोथ की मूवमेंट की वजह से, और ये चीज़ तो एक बुल फाइटिंग में भी देखी जा सकती है। बुल फाइटिंग में एक लास्ट राउंड ही ऐसा होता है जहाँ पर रेड कलर के क्लोथ को यूज़ किया जाता है, बाकी राउंड्स में तो डिफरेंट डिफरेंट कलर के क्लोथ यूज़ किए जाते हैं, तब भी एक बुल उन क्लोथ पर अटैक करता है। यानी कि मेन रीजन है एक क्लोथ की मूवमेंट, ना कि उसका कलर। तो यानी कि अगर आपने नेक्स्ट टाइम कभी रेड कलर का क्लोथ डाला हो और आपके सामने कोई बुल आ जाए, तो आपको इस चीज से नहीं डरना कि आपने रेड कलर का क्लोथ डाला है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको उस बुल के आगे बहुत तेजी से मूवमेंट नहीं करनी, आपको आराम से मूव करते हुए उससे दूर जाना है ताकि एक बुल आपको हार्म ना पहुंचा सके। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे एक ऐसी अमेजिंग वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मज़ेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUSTAC ऐप को, जहाँ पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैम्पल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।